हेलो फ्रेंड्स, शाइन किचन सेन व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ आज चिकन हक्का नूडल्स। तो सबसे पहले हमें नूडल्स को बॉईल कर लेना है। तो मैंने लिया है 2 लीटर पानी भर के तपेले में और इसमें डाल दिया है 1 चम्मच भर के तेल और यहाँ पर नमक आप आपके टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए। और जैसे ही हमारा पानी अच्छे से बॉईल हो जाए इसमें डाल देंगे हम नूडल्स को। तो ये नूडल्स मैं मार्केट से लेकर आई थी। तो यहाँ पर आपको जो भी नूडल्स लेने हैं इसी तरह का प्रोसेस यूज़ करना है। और यहाँ पर अच्छे से जब नूडल्स पक जाए, लगभग हमको इसको 90% पकाना है और जो भी कसर बची रहे वो हम जब उसको बघारेंगे कढ़ाई में तो वो पक जाएगा, ऑलमोस्ट पूरा कुक हो जाएगा। इस तरह से उसे बॉईल करके ले लेना है। जैसे ये बॉईल हो जाए हमें इसे एक छन्नी की मदद से निथार लेना है और ठंडे पानी की मदद से इसे धो लेना है कि इसकी सारी जो चिकास है, सारी जो चिकनापन है इसके पानी के अंदर निकल जाए। और यहाँ पर जैसे ही ये निथर जाए पानी, तो इसमें 1 चम्मच तेल भर के तेल डालकर हमें इसे साइड में रख लेना है। अभी हमने ले लेने हैं 2 अंडे। अंडों को बहुत ही अच्छे तरीके से हमको फेंट लेना है और यहाँ पर रख देनी है कढ़ाई। कढ़ाई में हमको ले लेने हैं 4 से 5 बड़े चम्मच तेल। और जैसे ही हमने मतलब तेल गर्म हो जाए तो इसमें डाल देने हैं वो अंडे जो हमने फेंट कर रखे थे और इसे बहुत अच्छे से हर तरफ से कुक करके इसे स्क्रम्बल्ड कर लेना है, एकदम टुकड़ा टुकड़ा तोड़ देना है और इसे बाहर निकाल कर साइड में रख लेना है। और उसी तेल को एकदम अच्छे से कड़क गरम कर लेना है और उसमें डाल देने हैं चॉप्ड अदरक लहसुन और बहुत अच्छे से इसको सॉटे कर लेना है, क्योंकि ये अब हम हक्का नूडल्स बना रहे हैं और हमारे पास तो वो कढ़ाई अवेलेबल नहीं है। तो हमें पूरी फ्लेम को एकदम ज़्यादा हाई पर रखना है क्योंकि तभी ही उसमें एक स्मोकी फ्लेवर आएगा। यहाँ पर अब मैंने ले लिए हैं 5 से 6 हरी मिर्चों को कूट कर, और अंदाजन मतलब मैं बड़ा पैकेट वाला नूडल्स बना रही हूँ उसी हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें डाल लेने हैं लगभग 200 ग्राम चिकन, बोनलेस चिकन डालना है। आपकी चॉइस है, आप इसे फ्राई करके भी कोटिंग वाला भी डाल सकते हैं, लेकिन हक्का नूडल्स हम मोस्टली ऐसा वाला प्रीफर करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो साथ ही में अब बारी आई सारे वेजिटेबल्स की। तो वेजिटेबल में मैंने ले लिया है पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्ची और प्याज, और जो ग्रीन अनियंस होते हैं स्प्रिंग अनियन इसको हम लास्ट में डालेंगे। तो यहाँ पर हमारी फ्लेम को एकदम हाई पर रखना है और बहुत अच्छे से इसको एकदम मिला लेना है सारी सब्जियों को चिकन के साथ। और चिकन को पहले आप गला लीजिए, फिर उसके बाद ये सारे सब्जियां उसमें ऐड कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए सब्जियां अच्छे से मिल चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो इसमें हमने ले लिया है 1 चम्मच भर के मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच भर के धनिया पाउडर और नमक आप आपके टेस्ट के हिसाब से लीजिए। और यहाँ पर एक ऑप्शनल है अजीनोमोटो, ये भी आपको 1 चम्मच भर के डालना है। अगर आपको एकदम प्रॉपर ऑथेंटिक चाइनीज़ फ्लेवर चाहिए तो आपको ये नमक डालना ही पड़ेगा, जो चाइनीज़ नमक भी कहा जाता है और इसको अजीनोमोटो भी कहा जाता है। इतने सारे मसालों को डालकर आपको बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। यहाँ पर बारी आई अभी हमारे सारे सॉस डालने की। सोया सॉस 2 टेबल स्पून, चिली सॉस 2 टेबल स्पून, विनेगर 1 टेबल स्पून, शुगर 1 टीस्पून, टमेटो केचप 2 टेबल स्पून। यहाँ पर टमेटो केचप, रेड चिली सॉस और सोया सॉस का इक्वल प्रोपोर्शन आप यूज़ करेंगे और जो विनेगर है इनका आधा हम लेंगे। तो ये सब सॉस का हमें यूज़ करना है। अभी हमने जो स्क्रम्बल्ड एग बना के रखे थे वो भी इसमें ही डाल देने हैं और हाई फ्लेम पर ही सारा प्रोसेस आपको करना है। एकदम अच्छे से आपको मिला लेना है इसको। और अब बारी आई हमारे नूडल्स की। नूडल्स को आप हाथों से अलग कर लीजिए, देखिए बिल्कुल भी वो चिपके नहीं है क्योंकि हमने इसमें ऑयल डाला था। और यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए एकदम हाई फ्लेम पर ही। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपका नूडल्स एकदम बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। घर में ही आप रेस्टोरेंट के मज़े ले लीजिए। और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो ट्राई भी कीजिए। और ऐसे ही रेसिपीज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और इसमें अब अभी आपको डालना है स्प्रिंग अनियंस, तो यहाँ पर आप इसमें स्प्रिंग अनियन डाल दीजिए और फिर इसे 2 से 3 मिनट तक पकाइए। तो हो गया हमारे चिकन हक्का नूडल्स तैयार। ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए बने रहिए शाइन किचन एंड वीलॉग के साथ।
अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।